देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोग चले जाइए यहाँ से। तुझे थोड़ी लेने आए हैं, इसे लेने आए हैं, इसे हमारे हवाले कर दे फिर हम भी चले जाएंगे। तुझे देखा है मैंने मलिक के ऑफिस में, बड़े गुंडे पाल रखे हैं मलिक ने, लेकिन लड़की से ऐसा क्या डर है? इसको लेने के लिए चार चार गुंडे भेज दिए। इसीलिए कह रहा हूँ बचा नहीं सकता इसे, सोच ले। अच्छा ये ले। गर्ल्स प्लीज जल्दी कर लो, मैं खड़ी खड़ी थक गई हूँ। बस हो गया मैडम, शादी से पहले इतना वेट लूज कर लिया है कि फिटिंग ढीली हो गई है। अरे शादी के बाद तो मोटा होना ही है, सो बेटर लूज वेट नाउ। वैसे वेट लूज इसीलिए किया है कि सुबीर गोद में उठा ले। वैसे यू आर वेरी लकी, सुबीर इतना हॉट है कि सारी लड़कियां उस पे मरती हैं। और वैसे भी आज काफी लड़कियों का ना दिल टूटने वाला है। संभाल के रखना अपने हैंडसम हस्बैंड को, कहीं फिसल ना जाए। क्या फिसल जाए, सुबीर ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं जानती हूँ मेरे सुबीर को, वो सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, और अगर कोई मरता है तो फिर मरता रहे। लोगों ने पूरी बात तो सुनी नहीं। हवाले करने के लिए बोला था, इसको हाथ लगाने या लेके जाने के लिए नहीं। पत्नी है मेरी वो, लोगों से निपट पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, कि अगर किसी ने अमला को हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे डायलॉग बाजी मत करा इसकी। अभी
अबीर! शिंदे साहब, लीगल की सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। मुंबई के सबसे बड़े लॉयर के साथ हमारी रिश्तेदारी हो गई है। आइए आपको लड़के के मामा से मिलवाता हूं। आइए चलिए। चलो चल 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 अंदर चल 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 मौका दीजिए सेवा करने का एमएलए साहब, आई विल हैंडल इट। आज शाम को ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। आप एक काम कीजिए, ब्रीफ ले लीजिए और बात को आगे बढ़ाइए। फिक्र मत कीजिए शिंदे साहब, पूरा मलिक परिवार आपकी सेवा में हाजिर है। ये बबलू का फोन क्यों आ रहा है? लगता है मामला बिगड़ गया है। सब हो गया होता तो बबलू बस मैसेज कर देता। क्या कांड हो गया है? अब बताइए केस है क्या? जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्शन कर रहा है इस पेपर, ऐसा क्या जरूरी आ गया? विधायक है वो? नहीं सर, I'm really sorry शिंदे साहब, शादी का घर है, कुछ काम आ गया होगा। हवाले करने के लिए बोला था, उसको हाथ लगाने या लेके जाने के लिए नहीं। पत्नी है मेरी वो। तुम ठीक हो अमला? हम जा कहाँ रहे हैं? बहुत शातिर गुंडे भेजे थे मलिक ने, उन्हें हमसे डर है तो उसी डर का फायदा उठाएंगे। माही की शादी में जा रहे और तुम उससे मिलोगी। देखो बहुत डर रहेगा पर उसको दिखने मत देना, क्योंकि अब की बार पकड़े गए तो मलिक मार डालेगा। आसान नहीं है पर इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, सच तुम्हारे साथ है और यही सच तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगा। अब इतनी बड़ी शादी में जा रहे हैं तो तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ेगी। कैसी तैयारी? वीरेन भाई वो
वो दोनों भाग गए भाई। बबलू सिंह, पालते क्यों हो ऐसे आदमियों को जो एक लड़के से पिट के आ गए? अरे तो पकड़ो उसे, मुझसे बात करके क्या होगा? भाई कैसे पकड़ू, जीप भी लेके वो। यहाँ पहुंचो टैक्सी लेके, जल्दी आओ। ये भाई टैक्सी, टैक्सी थोड़ी चल। क्या बाबरे, बबलू सिंह से बात कर रहे हो? उधर मानविंदर जी भी पूछ रहे थे कि तुम ऐसे कैसे चले हैं। अरे जीजा जी, उन्हें तो बस अपने दिखावे की पड़ी है। यहाँ अभी रामला के साथ भाग गया है। और कहाँ भाग गया? और ये बबलू सिंह क्या कर रहा था? पता नहीं कहाँ भाग गया है। एक तो ये कांड मेरी जान लेके रहेगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। कहाँ जा सकते हैं, कहीं भी जाए बिना उन्हें यहाँ पर नहीं। वो कहीं भी जाए, मर जाए, पहाड़ में जाए, लेकिन यहां नहीं पहुंचने चाहिए। विरेन प्लीज, उन्हें किसी भी हालत में माही और उसकी फैमिली के सामने मत आने देना। सुन रहे हो विरेन? आर यू लिसनिंग? अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उन दोनों को? बबलू के गुंडों को अभी चकमा देकर निकल गया है। अब कौन कौन? ये सब क्या है? मेहमानों को छोड़कर तुम दोनों यहाँ खड़े हो, और ऐसा क्या हो गया है जिसके लिए हमें अपने मेहमानों की बेइज्जती करनी पड़ रही है? इस शादी से जरूरी और क्या हो सकता है? मानविंदर जी, घर में शादी हो रही है, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ रहे हैं, एक जरूरी काम अटक गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। वीरेन कहाँ जा रहे हो? रस्मी शुरू होने वाली है। अरे तो जाके आ जाऊंगा ना, घूमने नहीं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। Once again, sorry, मानविंदर जी। ऐसा कौन सा काम आ गया जो इस वक्त वीरेन को जाने? ऋषा, ये सब क्या है? मुझे क्या मालूम मानविंदर जी, कुछ याद आया चला गया। मुझसे तो कोई यहाँ ना कुछ पूछता है ना कुछ बताता है, सब अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं। अब क्या करेंगे अबीर? वहां तो मुहूर्त हो जाएगा शादी का। अरे आया। मैं तैयार होकर आने वाला था ऑफिस। भाई मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। तेरे भले के लिए आया हूँ, फिर मत कहना कि मैं तेरे बारे में सोचता नहीं। इवान का ड्राइवर बनने से पहले तेरा भी कोई वजूद था। याद कर कि तू किसके लिए मुंबई आया था, आज वो तुझे मिल जाएगा। कौन? अबीर। उसका फोन आया था मेरे पास। अबीर कहाँ है वो? साला मुझे मारने की धमकी दे रहा था। उसे पता चल गया कि मैंने तुझे नौकरी दिलवाई है। कहने लगा कि देव को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, आपका भी मैं गला काट दूंगा। क्या? हाँ, शादी पर आ रहा है उस पर हमला करने के लिए। मैं तो कहता हूँ वहां मत जा, यहीं रहे, छुट्टी कर ले आज। वहां जाएगा ना तो गजब हो जाएगा। ए डूड, तेरा तो पैकअप पागल है गया। पैकअप नहीं स्टार्टअप। तो माही इतनी लवली है, ऊपर से उसके डैड के कनेक्शंस और लवली। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आई लव हर। क्या लव शब तो ठीक है, सीरियसली ब्रो, तू अपने गले में ये घंटा क्यों बनवा रहा है? रो, अभी भी वक्त है, भाग जा।
Go to your fans, man. Those beautiful girls. बस कर इवान, बहुत हो गया तेरा मजाक. Hey guys, chill. Here comes Mai. Hot. I mean beautiful. Ivan, it's not funny, man. तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? मजाक कर रहा था. सुवीर, ignore him. तू उसको देख. चल. एक मिनट. जब उसे शादी में आना ही है तो वो आपको बता के क्यों आए? अरे क्या पता उसे? पागल के मन में क्या चल रहा है? उसी ने गुंडे भेजे थे तेरे होटल में तुझे मारने के लिए. ये ले अबीर की तरफ से तोहफा. कि अबीर से बहुत दूर रहना. अगर उसे गलती से भी फोन किया ना, एक बार तेरे लिए फिर से आना पड़ेगा. क्यों किया उसने? क्योंकि वो तुझ पर जलता है, तुझे खत्म कर देना चाहता है. देख दे, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना सही. मैं अपने एक लौते भांजे की शादी छोड़कर तेरे लव ट्रायंगल में उलझा हुआ हूँ. मुझे क्या भाई, मैं शादी में वापस चला जाता हूँ. अबीर और तुम पार्किंग लॉट में निपट लेना बस. एक बार अपनी आंखों से देख ले और अपने कानों से सुन ले. सुन. सब याद है और कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम लोगों से नामला डरती है ना मैं डरता हूँ. अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए. छोड़ूंगा नहीं इस अबीर को, मार डालूंगा. ये तो अच्छा हुआ कि माई के फोन में कॉल रिकॉर्डर था, नहीं तो पूरी शाम इस देवदास को समझाने में निकल जाता. देव कहाँ जा रहा है? अरे मार दे उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे. शादी के बीच में हजारों लोगों के सामने? अरे मिनिस्टर की बेटी की शादी है, जानता कितनी पुलिस होगी वहां पर. तुझे उसका सामना करना है ना, अकेले कर. देख अबीर को शादी के वेन्यू तक पहुंचने के लिए महिम गार्डन रोड से गुजरना ही पड़ेगा. कोई सुनसान जगह देखकर उसे रोक ले, गोली मार, खत्म कर इस चैप्टर को. देख देव, उस आदमी ने तेरी लाइफ खत्म कर दी, उजाड़ के रख दिया है तेरे सपनों के घर को. और तो और तेरी होने वाली बीवी के साथ घूमता है वो सीना चौड़ा करके. सोच मत, तू अपने माँ बाप घर बार छोड़कर यहाँ आया था अबीर को ढूंढने के लिए. अब अबीर मिल गया तुझे, अब सोच मत, मार डाल उसे. बाद में जो होगा मैं देख लूंगा. अरे वकील हूं मैं, रास्ता निकालना जानता हूं मैं. जब तक उसे अपने हाथों से ना मार दूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा. लाल जीप में आएगा वो. जीप का नंबर है MH01 RP0101. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.